आया 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 अवतार महीना आया, आया 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 अवतार महीना आया। महान जनवरी में मालिक ने आके दर्श दिखाया, दर्श दिखाया। आया 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 अवतार महीना आया। देख के तड़प दी शताब्दी चला आया। बन के मला जी है आप चले आए, आदमी का चोला पाके हमें समझाया। आया 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 अवतार महीना आया, आया 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 अवतार महीना आया। महा जनवरी में मालिक ने आके दर्श दिखाया, दर्श दिखाया। काल ने धोखे से कई रूप बनाए, अंधविश्वास में बिली फसाए। सच क्या है रूपो समझ न आए, सच समझाने लिए खुदा चल आया। आया 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 अवतार महीना आया। सत्संग लगा के दातार ने समझाया, झूठ व सच सबका भेद बताया। नाम धन सच्चा ये दुनिया है फनी, मुक्ति का साधन सच्चा नाम बताया। आया 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 अवतार महीना आया। सतनाम जी मालिक खुद आए, जी बना गुण तेरे दाता जी का पाए।
दासन दास ये मीत क्या सुनाए, खाक तूने दाता अर्श पे बिठाया, आया 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 अवतार महीना आया, आया 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 अवतार महीना आया, महा जनवरी में मालिक ने आके दर्श दिखाया, दर्श दिखाया, आया 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 अवतार महीना आया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी सत्संग जी, पूज्य हजूर पिताजी द्वारा ये जो अनमोल प्रेम निशानियां दी जा रही हैं, ये किसी से भी किसी किस्म का कोई पैसा दान चंदा चढ़ावा आदि इकट्ठा करके नहीं दी जाती, बल्कि तो पूज्य हजूर पिताजी आश्रम के सत ब्रह्मचारी व गुरु ब्रह्मचारी सेवादारों की नेक और मेहनत की कमाई में से दी जाती हैं, और ये कोई दिखावा भी नहीं है। ये सेवादार सतगुरु जी की प्रेरणा अनुसार साध संगत को पानी पिलाना, लंगर बनाना, लंगर खिलाना, छायावान लगाना, खेती बाड़ी आदि कार्यों में सहयोग करना, वह अपने अपने ब्लॉकों में गरीब जरूरतमंदों की हर संभव सहायता करना इत्यादि मानवता भलाई के कार्य करते हैं। जैसे जैसे जिसकी सेवा होती है ये दातें उसी हिसाब से ही सेवादारों को दी जाती हैं। प्रेमी रमेश जी इंसान सरसा भजन सुना रहे हैं जी, इनके बाद प्रेमी गोपाल जी इंसान कल्याणनगर से भजन सुनाने के लिए तैयार हैं जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा, धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। जलाल आने आए जलाल जियो कुल मालिक, हो हो कुल मालिक लिया अवतार जियो, ओ हो जलाल आने आए जलाल जियो कुल मालिक, हो हो कुल मालिक लिया अवतार जियो, ओ हो शमस्ताना जिफेरा पाया जी, मौज मस्त पूरा धाम बनाया जी, इस नाम च वेद बताया जी, पर किसे दे समझ ना आया जी, कर सकया न कोई ख्याल जी, ओ कुल मालिक, ओहो कुल मालिक ले अवतार जी, ओहो हो ज पैड़ बताई जी, एथो लंगी मौज इलाही जी, पर किसे दे समझ ना आई जी, तंग रह गई सब लुकाई जी, कर सकया न कोई इतबार जियो, कुल मालिक ले अवतार जियो, हो 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 जी आवाज लगाई जी, पास बूढ़े के बैठो भाई जी, आज नाम की दात बताएंगे, रूहानियत का लीडर बनाएंगे, बुकिया वाली
खुक वाली च होए जाहिर जियो कुल मालिक आहा कुल मालिक ले अवतार जियो ओ हो शास नाम जी जो समझाया जी लिख सकते न जावे गाया जी कर सब नाल प्रेम सिखाया जी रूहानियत का पाठ पढ़ाया जी सारी दुनिया च नहीं मिसाल जियो कुल मालिक आहा कुल मालिक ले अवतार जियो ओ हो जलाल आने आए जलाल जियो कुल मालिक ले अवतार जियो ओ हो धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा धनन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी गोपाल जी इंसा कल्याण नगर से भजन सुना रहे हैं जी धनन सतगुरु तेरा ही आसरा धनन सतगुरु तेरा ही आसरा श्या सतनाम जी प्रकट हुए बजे खुशी में डोल सच्चा सौदा तोल रहे जी सच का सौदा तोल सच्चा सौदा तोल रहे जी सच का सौदा तोल दांतों से भरपूर भंडारे कभी न खुटने वाले ढंग जिसको पाने का आ गया ले गए लूटने वाले रे भाई ले गए लूटने वाले दामन पड़ गए छोटे बांट तेरे दामन पड़ गए छोटे बांट ते बिन ना पे बिन तो एरा सच्चा सौदा तोल रहे जी सच का सौदा तो सच्चा सौदा तोल रहे जी सच का सौदा तो कोई देना रोकड़ नगदी कपड़ा आटा दान कर कुछ देना चाहते हो देव अब का नजराना दे जाओ अब का नजराना बदले में ले जाओ नाम का बदले में जाओ नाम का पारस जो अनमो एरा सच्चा सौदा तोल रहे जी सच का सौदा तो सच्चा सौदा तोल रहे जी सच का सौदा तो
सतनाम जपती मर गई दुनिया पर ना दर्शन हुए। कहीं नूरी पर काश मिला न कूड़े अंधेरे डोए रवई कूड़े अंधेरे डोए। राम नाम का अंदर खजाना र राम नाम का अंदर खजाना गांठ सके ना खो और सच्चा सौदा तोल रहे जी सच्चा सौदा तो रे भाई सच्चा सौदा तोल रहे जी सच्चा सौदा तो। सतनाम जितिया है ये काम बड़ा ही नारा जवान बनकर आए हैं ना कोई वेद हमारा ना कोई वेद हमारा। कहा हम थे हैं रहेंगे कहा हम थे हैं रहेंगे दस मिटनाए वो अरे सच्चा सौदा तोल रहे जी सच्चा सौदा तो सच्चा सौदा तोल रहे जी सच्चा सौदा तो। शाह सतनाम जी प्रकट हुए रे बजे खुशी में डो अरे सच्चा सौदा तोल रहे जी सच्चा सौदा तो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसा भजन सुना रहे हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जनवरी दा त्योहार मुबारक संगतानू सतगुर दा होया दीदार मुबारक संगतानू मुबारक संगतानू जनवरी दा त्योहार मुबारक संगतानू सतगुर ने दिता दीदार मुबारक संगतानू मुबारक संगतानू। अनहद तुन संगीत गूंजदा कण कण अंदर चन सितारे नचण सारे महक अयंबर खिलगी अजब बहार मुबारक मुबारक संगतानू जनवरी दा त्योहार मुबारक संगतानू। Thank you.
नचण गावण खुशी मनावण सारिया रूहा पार लगावण आए अपनिया प्यारिया रूहा लिया चोला बंदे दा तार मुबारक संगतानू सतगुर ने लिया अवतार मुबारक संगतानू लग गईया ने रौनका नचे धरती अंबर खुशी मनाई जा रही सारे जग दे अंदर आ गई सच्ची सरकार मुबारक संगतानू जनवरी दा त्योहार मुबारक संगतानू शाह सतनाम जी तरस कमाया रूहाई उते अपना रहमो करम लुटाया रूहाई उते लुटा रहे लगातार मुबारक संगतानू जनवरी दा त्योहार मुबारक संगतानू जनवरी दा त्योहार मुबारक संगतानू सतगुर दा होया दीदार मुबारक संगतानू जनवरी दा त्योहार मुबारक संगतानू धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा मालिक साजन वाजी प्यारी सत्संग जीओ जैसा सत्संग जानती है ये महीना शास्त्र राम जी दाता रहबर का पाक पवित्र अवतार माह है। पूरी दुनिया में सत्संगत इंसानियत की सेवा करते हुए इंसानियत को जिंदा करने के लिए प्रयत्न करते हुए गुजारती है जो अपने आप में बेमिसाल है। लोग खुशी मनाते हैं हर्षोल्लास से मनाते हैं लेकिन ये इंसानियत के नशे में हर्षोल्लास अपने आप आ जाता है कि पूरी दुनिया में सत्संगत इंसानियत के जज्बात मरने नहीं देने की एक तरह से कसम लिए हुए है कि हमने इंसानियत को जिंदा रखना है मानवता की बेमिसाल मिसाल कायम करनी है उसके लिए बढ़ चढ़ के लोगों को नाम गुरु मंत्र से लोग जोड़ रहे हैं। जैसे यूपी में भंडारा हुआ तो पिछली बार वहां 39,000 था 39,000 जो नाम वाले थे लेकिन इस बार 41,080 थे तो हर बार बढ़ता जा रहा है अपने आप में बेमिसाल बहुत बड़ी बात है। पूरी सत्संगत जुटी हुई है कि जो दुनिया में लोग बुरे कर्मों में जुड़े हैं बुरे कर्म करते हैं हम उनको उधर से हटा के मालिक की तरफ जोड़े तो शाबाश ऐसी सत्संगत और शाबाश ऐसे जिम्मेवार भाई जो सेवा करवाते हैं और मालिक तो धन्य धन्य सदगुरु मौला जो सबसे सारे काम करवाते हैं उनका तो कहना ही क्या उनके बिना तो कुछ संभव ही नहीं। सो उस मुर्शिद कामिल दाता रहबर का पाक पवित्र अवतार माँ खुशी से मनाओ नाच के पर एक बात 100% हमेशा ध्यान में रखो खुशी दुगुनी चौगुनी हो जाती है जब आदमी वचनों पर अमल करता है और मर्यादा में रह के खुशी मनाया करता है। मर्यादा से बाहर किसी भी कॉस्ट पे किसी भी कीमत पे नहीं जाना होता कि होते भाई बहन इकट्ठे नाचने लगे हाँ खुशी है ये पाखंड नहीं करना होता। मर्यादा बना के रखिए जो मर्यादा आश्रम में होती है उसी तरह से खुशी मनाओ ताकि वो खुशियां मालिक की दरगाह में आपकी मंजूर हो
वो नाच गान दरगाह में मुजरा मंजूर हो और बदले में मालिक दया मेरे रहमत से आपको लवरेज करें, ये मालिक से दुआ करते हैं। तो सात संगत रोजाना बुराइयां छोड़ रही है और बहुत सारी सात संगत ने प्रसाद भी शायद लेना शुरू कर दिया है, सेवादारों वाला फार्म भरने शुरू कर दिए, वो अभी आएंगे जो लिखा हुआ आएगा, तो बहुत खुशी की बात है। शास्त्र नाम जी गिनने से पहले फिर फोर्स विंग, आप नाम से ही सोच लीजिए, शाह सतनाम जी गिनने से पहले फिर फोर्स विंग, परम पिता दाता रहबर के पाक पवित्र नाम पे वो फोर्स है। और इस फोर्स का काम भी बड़ा गजब है, पूरे वर्ल्ड में अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड देखा जाए तो हमें लगता है ये अपने आप में नायाब वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 60,000 लोग, कहीं धरती फट रही हो जान की परवाह ना करते लोगों की जान बचाने पहुंच जाते हैं, समुद्री तूफान हो समुद्र से जा टक्कर लेते हैं, कहीं मकान गिर जाए आग लग जाए जिंदगी बचानी हो या कोई कुएं में गिर जाए, ये लोग अपने आप में सबसे आगे होते हैं। और हैरानीजनक बात यह है किसी से एक नया पैसा तनख्वाह नहीं लेते, बल्कि ये लिख के जाते हैं कि अगर सेवा के दरमियान हमें कुछ हो गया एफिडेविट होते हैं कि उसके जिम्मेवार हम खुद हैं। तो ऐसी फोर्स पे जितना नाज किया जाए उतना कम है, और जो इस फोर्स में जुड़े हैं उनको भी हम बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं कि शाबाश नौजवानों, शाबाश भाई बहनों बुजुर्गों सब जो भी, तो मालिक बेहद खुशियां दे। और एक नई बात यह भी है कि अभी लीगली तौर पे भी पता कर लिया गया है, एक एज सीमा है, उस एज में रह के छोटे बच्चे भी एक फोर्स इसकी बनाई जा रही है। शास्त्राम जी कितने से बोले फिर फोर्स में होगा तो इसी का अंग, लेकिन उसका नाम थोड़ा होगा अलग, तो वो नाम भी जिम्मेवार नोट कर ले भाई, जल्दी से जल्दी आज अगर आपकी मीटिंग है तो आज ही वो पास करवा लें और फिर इसमें उन बच्चों की भर्ती होगी जिनकी एक एज सीमा है, उम्र है जो भी उम्र होगी 13, 14, 15 जो भी साल वो रखे गए हैं, क्योंकि बच्चे बहुत उतावले, बहुत चिट्ठियां, बहुत हमारे पास ऐसे लगातार, तो पूरी तौर पे पता करवा के वो फौज भी बनेगी। अच्छा कितनी उम्र है जी? तो ये कह रहे हैं कि नाम ऑलरेडी हमने रख दिया, क्योंकि काम इतने ज्यादा हैं तो हम दिन रात भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं कि ये सारे काम जल्दी जल्दी सतगुरु की खुशियां सबको दिलाएं, तो उसका नाम रख दिया टीन एज बोरियर। शास्त्र राम जी की नेस बेले फॉर फोर्स टीन एज बोरियर, जो 12 से 17 साल की उम्र के जो बच्चे हैं वो उसमें शामिल हो सकते हैं, चाहे आज ही आप फार्म भर सकते हैं, ऑलरेडी आज से ही शुरू कर दें वो, यहां भाई बहनों की तरफ बहने बैठ जाए 25 मेंबर और भाइयों की तरफ भाई, और देखते हैं कल को पता चलेगा कितने लोग बच्चों ने वो फार्म भरे हैं, आप खुद सोचेंगे, क्योंकि वो बच्चे चाह रहे हैं 12 से 17 साल की उम्र में। तो एक बार फिर से नाम बताएं, टीन एज बोरियर, तो वो टीन एज जिसके पीछे टीन बोलती है इंग्लिश में 12, 13, 14, तो 12 के बाद यानी 13 से 17 हुआ मेनली, तो वैसे इनके 18 वाले भी आ सकते हैं शायद, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उधर आ सकते हैं दूसरी तरफ, तो वो दो टीन उधर बाकी टीन इधर, तो सारे टीन ही टीन करीम ही करीम जो सेवा करते हैं, मालिक के बहुत प्यारे हैं और बेहद मालिक उनको खुशियां भी देगा। और अगर आप हमसे हमारे बात, कई बार आप पूछते हैं पिताजी आप अपनी बात बताएं, हम अपनी बात बताते हैं, अगर बेपरवाह शास्त्र नाम जी दाता रहे अपने उस बॉडी में ये फोर्स की होती तो सबसे पहली वर्दी हम पहने होते, ये 100% आपको सच कहते हैं। अब तो उनका जिस्म ओढ़ा हुआ है हमें वर्दी की, आप सोचते हैं पिताजी क्यों नहीं पहनते, हमने तो जन्म से उनकी ही वर्दी पहनी हुई है, ये जिस्म ही उनका है, सारी जान ही उनकी है, तो क्या बताएं आपको। तो और वर्दी का भी जरूर कोई ना कोई डिजाइन सोच रहे हैं कि आपके साथ जब सेवा करें तो उसी वर्दी में हो, वो भी एक डिजाइन बना रहे हैं, कोशिश करें, टाइम नहीं मिल पा रहा। तो प्यारे साथ संगतियों, ये तो थी जो बच्चे चाह रहे थे, बहुत से बच्चे चाह रहे थे स्कूलों के कॉलेजों के कि पिताजी हमने ये वर्दी लेनी ही लेनी है, तो उनको वो वर्दी भी मिलेगी और नाम भी मिलेगा। तो विदेशों से बात करने वाले, लंदन यूके से, मस्कट ओमान, दुबई यूएई से, जी बोलिए बेटा, जल्दी से बात कीजिए, शॉर्ट में जल्दी से। हाँ बेटा,
जी बेटा जी बोलो पिटी आप जी कैसे हो बेबराज दी रहमत है बेटा तुसी दसो पिटी आप जी बहुत सहमत है पिटी हैप्पी बर्थडे जी बेटा आशीर्वाद पिटी थोनू इत बहुत बहुत मिस कर दे पिटी थोड़ी बहुत याद आती है जी बेटा सिमरन करते रहो बेटा मालिक नाल है हमेशा हर जगह हर समय हाँ जी पिटी जब मैं अपॉइंटमेंट लिखवाई थी पिटी सितंबर दे विच उस टाइम मैं बहुत परेशान थी पिटी जॉब नू लेके ते पिटी उस तो बाद गल तो हो नहीं पाई थी इमीडिएटली तो मैं लाइव मैसेज पे अपनी ऑल्ट की मैंने जॉब मिल गई पिटी पिटी विद इन सेम मंथ पिटी मेरे को एक नहीं तीन तीन ऑफर थी पिटी आप जी भी बहुत मेहर हुई थी एवं मेहर बनाए रखना थी थैंक यू सो मच जी बेटा जी आशीर्वाद आशीर्वाद जी बेटी एक क्वेश्चन और पूछना है बेटी मेरे डैडी ने शुरू तो ही ब्यास का नाम ले रखे है ते बेटी बेटी हमेशा वो मतलब असि उन्होंने ब्यास भी चले जाते थे शुरू तो भी और वो भी इधर आ जाते थे बेटी मैरिज भी मम्मी डैडी भी डेरे ची हुई थी अपने बेटी पिछे जो उन्होंने जाम पीता से अपने इतने ਪਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਚ ਵਹਿਮ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਿਟੀ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਪੀ ਲਿਆ ਪਿਟੀ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਮਜਲਿਸ ਤਾਂ ਪਿਟੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ ਹੈ ਪਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਲੇਕਿਨ ਰੂਹਾਨੀ ਜਾਮ साई मस्ताना जी महाराज ने जो नाम दसिया है उस दे नाल ही दुगुना चौगुना असर करता है बेटा बेपरा जी दे यही वचन हैं सो बाकी जिदा ख्याल बेटा गलती हो गई तो पिटी माफ कर देना प्लीज नहीं जाम पीन की कोई गलती नहीं है बाकी तुहानू दसदा अगर कोई फर्क ही नहीं समझते तो नाम जप के देख लेना बेटा जी पिटी और पिटी ब्रदर दे भी एग्जाम चल रहे ने उन्हें भी आशीर्वाद देना पिटी आशीर्वाद बेटा ਪਿਟੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਛ ਪਿਟੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਛ ਮਜਲਿਸ ਚ ਵੀ ਪਿਟੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦੋ ਜੀ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਬੇਟਾ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜੀ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਰਾਓ ਬੇਟਾ ਹਾਂਜੀ ਪਿਟੀ ਦਮ ਦਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰੀਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੋਨੇ ਹੀ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਮਾਹ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਮੈਂ ਭੰਗੜਾ ਟੀਮ ਚ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਸ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਲਈਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਐਂ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੂਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੀ ਬੇਟਾ ਅਸ਼ਰਾ ਬੇਟਾ ਸਿਮਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਰਹੋ ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਸੋ ਮਾਲਿਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਾਂਜੀ ਜਨਮ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਨ ਦਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇੰਸਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮਸਕਤ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜੀ ਬੇਟਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੀ ਆਸਰਾ ਬੇਟਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਬੈਠਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ
बेटा लगातार सिमरन करो, जो इंसान कोई गलती कर लेता है सारिया खुशियां बहुत पिछे जिदा पंजाबी कहते बैक गेयर लग जाता है। सो लगातार सिमरन करोगे और फिर खुशियां दोबारा आनगियां। सच्चे दिल नाल ये वायदा करो और तौबा करो कि असी अगे तो इदा बुरा काम नहीं करना। सो नारा लाओ मालिक माफ करने के, पर लगातार सिमरन करना पैना है। ठीक है पिता जी, पिता नारा तो लाओ गुरु तेरा ही आपना जी आशीर्वाद। गुरु तेरा ही आसरा जी बेटा। जी बेटा पिताजी, यूएई से आप जी के बच्चे बात कर रहे हैं पिताजी। सारी सात संगत बैठी है पिताजी, तो सारी सात संगत पिताजी आप जी को शाही परिवार को और सारी सृष्टि को पवित्र पिताजी कोट कोट बधाई देती है नारे के रूप में। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। पिताजी आप जी ने तो रूबरू नाइट बची है पिताजी जी। पिताजी कोट कोट बार करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं पिताजी, बयान नहीं कर सकते जो आपने रहमत बख्शी है। आपका प्यार सबका बेटा। पिताजी रूबरू की खुशियां और एहसास तो पिताजी जो सच्ची भावना से अटेंड कर ले तो पिताजी मैं कहता हूँ भी पिताजी बयान नहीं कर सकते पिताजी जो महसूस होता है। अगर पिताजी आज के मेडिकल साइंस के हिसाब से कहें तो जैसे किसी किसी का कोई विटामिन या कुछ कम हो जाए तो काम नहीं चलता, बूस्टर देते हैं फिर। तो आपने पिताजी वो बूस्टर बनाया राम नाम का जो जाते ही ऐसा काम करता है कि बस पूछो ना पिताजी क्या खुशियां देता है, बस महसूस ही कर सकते हैं पिताजी, बयान नहीं कर सकते जी बेटा। पिताजी रहमत करना पिताजी रूबरू में जो है कि ज्यादा से ज्यादा संगत आए और ज्यादा से ज्यादा जी बेटा। जी बेटा आशीर्वाद बोलो। पिताजी हमारा यूए का पिताजी ब्लॉक भी रिन्यू आता तो सात मेंबर भंगीदास ब्लॉक भंगीदास आशीर्वाद चाहते हैं कि और बढ़ करके सेवा करें पिताजी। जी बेटा आशीर्वाद। पिताजी आज ग्रीन एस का 21 सेवादारों ने प्रसाद लिया है पिताजी, वो आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं पिताजी। जी बेटा वो सब लोग खड़े हैं तो नारा लगा के जोर से बैठ जाएं और इसी प्रसाद में से प्रसाद ले लेना, यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा देना आशीर्वाद बेटा। जी नारा लगा के बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ। और पिताजी आप जी के वचनों के हिसाब से जो 5 जनवरी के नए प्रण आए हैं पिताजी, सारी यूए की साथ संगत हाथ खड़े करके उन प्रणों में शामिल होना चाहती है पिताजी, आशीर्वाद देना। जी हाथ खड़ा करें बेटा सब लोग। जी तो आपके हाथ खड़े हैं, सो वो सारा पर्ण आप पे भी लागू होता है और मालिक सारी तमाम वचन भी आप पे लागू होते हैं मालिक, खुशियां दी आशीर्वाद बेटा। नारा लगा के हाथ नीचे कर लो। पिताजी अगर सात संगत में किसी जाने में कोई खाने की गलती होगी और खाने पीने की तो पिताजी माफ करना। जी खाने पीने की अनजाने में जाने में कोई ऐसा हुआ है तो खास करके अनजाने में हो जाता है कई बार, तो वो नारा लगा दो बेटा मालिक माफ करेंगे। पिताजी सात संगत बेसब्री से आपकी नई सीडी का इंतजार कर रही है पिताजी, जल्दी भेजो पिताजी बस। जी बेटा लगे हुए हैं फटाफट सब लोग और अभी तक 8 भजन जो हैं वो लगभग उनका म्यूजिक तैयार है और अभी वो बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं बेटा, और अभी हमें ही टाइम नहीं मिल पा रहा कि हम उनको चेक करें, इतनी फुर्सत नहीं मिल पा रही, अभी चेक करेंगे तो जरूर बेटा जल्दी ही वो सीढ़ी, उम्मीद है कि वो 21 तक उसका मास्टर तो 100% सबके सामने हो गए, हो सकता है सीढ़ी भी लॉन्च देखो कब हो पाती है, तो कोशिश तो ये है कि किसको उसको लॉन्च करेंगे वो देंगे सबको, नहीं तो लॉन्च जरूर हो जाएगी, अगर दी थोड़ी पीछे जब बाद में जाए तो कोई बात नहीं क्योंकि लोगों ने बहुत बुकिंग हो चुकी है, शायद लाखों में वो शुरू हो गया पहुंच गया काम, तो आगे जैसे जैसे सात संगत लाइव वो सीडी को करते जाएंगे बुकिंग, क्योंकि उस सीडी में फेमस शब्द है जो सात संगत बहुत ज्यादा पसंद करती है, क्योंकि जितने भी ऑन डिमांड रूबरू होते हैं मठिया गुलगले पंजाबियों के दो शब्द पक्के है, मठिया गुलगले खा लो ते कट्टा तिंगड़ दे किले दे जोर थे, तो वो दोनों शब्द ही इसमें हैं तो
तो दोनों शब्द इसमें आ रहे हैं और भी बहुत से लव चार्जर है या बच्चों ने जो बहुत पसंद रहे इनको, बहुत से शब्द हैं उसमें अभी हमारे ख्याल में नहीं, जिनको बहुत बहुत डिमांड रहती है। तो आगे भी जो सीढ़ियां बनेगी उन पे भी ऑन डिमांड ही होगा जी। पिताजी सात संगत के लिए प्रसाद है पिताजी, केक और हलवा पिताजी आप दृष्टि डाल के प्रसाद बना दो पिताजी। नारा लगा के काट लो बेटा, प्रसाद बन गया। मालिक खुशियां दे, सेवासन में मन लगे, मालिक रहमो करम से नवाजे, आशीर्वाद। थैंक यू पिताजी, दान सतगुरु तेरा ही। अमर इंसान प्रभा इंसान निबो चाइना। प्यारे पिताजी 15 जनवरी को फ्लाइट है पर अभी तक वीजा पासपोर्ट नहीं मिला है, रहमत करना। लगातार सुमन करो बेटा और पैरवाई करो किसी एडवोकेट के थ्रू और मालिक से दुआ करेंगे। मुकेश इंसान मनीषा इंसान पर्थ ऑस्ट्रेलिया। प्यारे पिताजी पीआर की फाइल लगानी है, रहमत करना। पूरा हिम्मत करो बेटा, सिमरन करो। जगदीप इंसान ऑकलैंड न्यूजीलैंड। प्यारे पिताजी मेरा ड्राइविंग टेस्ट है, रहमत करना। बिस्कुट प्रसाद बना दो, प्रसाद बन गया बेटा। पूरा लगन से टेस्ट दो, मालिक साथ। विदेश से आए लखविंदर इंसान लंदन यूके से। सत्संग ठीक ठाक बेटा जी, आया नो मालिक खुशियां देवे, प्रसाद ले लियो बेटा जी, आया नो बैठो बेटा। विदेश जाने वाले राजवीर सिंह इंसान, अमनप्रीत सिंह इंसान, जसवीर इंसान, रमेश कुमार इंसान, खड़े हो जाओ बेटा। प्रसाद ले जाना, बचनों पे पक्के रहना, सुमन करते रहना, मालिक साथ है बेटा। आशीर्वाद, प्रसाद लेके जाना, बैठ जाए बेटा। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। विदेशों में इंटरनेट टेलीफोन कॉन्फ्रेंस से और इंडिया में आईवीआर के माध्यम से 16,543 कनेक्शन पर 56,236 की तादाद में सदन लाइव देख रही है, मजलिस सुन रही है, और लाइव वीडियो पर 1426 कनेक्शन पर हजारों की तादाद में सदन लाइव देख रही, सुन रही, हमें नजर आ रही है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। शास्त्र जी की वेलफेयर फोर्स का प्रशासन में नए सेवादार 17, यूथ वीरांगने 25 बहने में ब्लाक जिम्मेवार 5, इंसानियत की सेवा महाबहन के फॉर्म भरने वाले 22। तो खड़े हो जाएं बेटा। धन्य माँ वो धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आ गए थे, और धन्य वो कुल हो जाती है जो सेवा करके वो निभाती है। तो मालिक रहमो करम से नवाजे, प्रशाद लेना, जोर से ना लगा के बैठ जाओ। आशीर्वाद। राजस्थान मध्य प्रदेश से नाम चर्चा वाली टीमें वापस आई जी, वहां के बारे में कुछ सुनाना चाहते हैं तो कल देखते हैं बेटा, आज तो मुश्किल है कल जी। तो आप बहुत बहुत स्वागत, आप चल के आए, बहुत बढ़िया कि आप सेवा करके आए हैं। प्रसाद लेना और कल सुबह मजलिस में भगीदार जी सुना दें जो सुनाने वाले। अगर कोई जाना है इमरजेंसी किसी को तो प्रसाद ले जाना और सारे परिवारों को आशीर्वाद करना, कल को जाना और कल को प्रसाद लेके जाना। आशीर्वाद बेटा, बैठ जाए, शाबाश। दूर दराज से आए हैं फौजी यादविंदर इंसान श्रीनगर से। हाँ आशीर्वाद बेटा, स्वागत जी, आया नो, प्रसाद ले लो बेटा। घर जाने वाले 4 से 29 दिन वाले रामा नसीपुर 3 ट्राली बनचटी लेके आए, खड़े हो जाएं। तो जितनी सेवा सिमरन करते हैं, सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक बख्शे, घरों में खुशियां दे, हमें रहमत से नवाजे। चोर से नार लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद, प्रसाद ले जाना। बीमार बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है, मालिक से प्रार्थना विधि दुआ करके प्रसाद देते। जितनी बार दवा लेनी पहले आधा घंटा सुमरण करना, कैंसर जला इलाज करें, दिन रात मालिक का नाम जपो फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक मानना अपने। खाने या पीने में अनजाने में जिनसे गलती हो गई वो बैठे बैठे नारा लगा तो मालिक माफ करेंगे। 3 परहेजों में गलती हुई पहली बार वो जल्दी से खड़े हो जाओ, मालिक से आपको माफी दिलवाने, और कुछ नहीं कहना, जल्दी इधर उधर मत देखो, अपनी जगह पे जल्दी से खड़े हो जाइए। जब आप गलती करते हैं सारी खुशियां चली जाती है, आज सच्चे दिल से तौबा करोगे तो फिर से खुशियां आएंगी। अपनी जगह खड़े हो जाओ, अभी खड़े होना था, बाद में नहीं। आपको आशीर्वाद कहेंगे, आपकी तरफ आशीर्वाद आए उससे पहले पहले खड़े हो जाना। आशीर्वाद, वचनों में गलती नहीं करनी होती, वचनों में गलती करते हो खुशियां चली जाती, आज अगर सच्चे दिल से तौबा करोगे तो फिर से खुशियां आएंगी। सो नारा लगा के बैठ जाओ, मालिक माफ करेंगे। लॉकेट की बेअदबी की, नशा बेचा, प्रसाद खराब, लॉकेट को मौका मांग मांगी, प्रसाद दोबारा लिया, अपशब्द बोले, अहंकार के बच्चे नहीं माने, दर बदर हुए। सो खड़े होके नारा लगा के जोर से बैठ जाओ, मालिक माफ करेंगे। जो कहते मेरे अंदर भूत प्रेत ऊपरी पराई जिन चुड़ैल है, मैनू कसर हुंदी, अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, चुपचाप खड़े रहना है। मालिक से प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद कहते हैं, प्रसाद ले लेना बीमारी वाला और हॉस्पिटल से दवा ले लेना, तो आपके सारे भूत भरम भूत भाग गए, कोई भूत आपके अंदर नहीं। जोर से नाम लगा के बैठ जाओ, बैठ जाइए। और
सुबह 7 से रात के 9 बजे तक और 7 से रात जो सेवा करते मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके अलग से प्रसाद देते मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। पूज्य पिताजी आप जी की तंदुरुस्ती की कामना करते पावन अवतार माँ की खुशी में टेलर समिति 11,000 रुपए इनके अलावा स्थानीय बहन भाई दिन दुखी मध्यम बैंक में पैसे जमा करवा चुके हैं, खड़े हो जाएं जी। फोटो रखते हैं बुक में लगा के बातें करते हैं नाइन मिला के, एक विषय है प्यारी टीचर बन के करा दे तू पढ़ाई तो मेरिट 100% आई। पापा जी आप जी की रहमत से 6 गुरु ब्रह्मचारी बेटियां यूनिवर्सिटी में टॉप 3rd, 4th, 5th और 9th रैंक में आई हैं और आप जी की सेहत की सलामती के लिए बैंक में 7,000 रुपए जमा करवा चुके हैं। अर्ज आप जी के हर वचन को मानते हुए आप जी के चरणों में उड़ने बजाय खड़े हो जाए बेटा और एक सुंदर सा कार्ड भी इन बच्चों ने बनाया, सबने खड़े रहना है। हैप्पी अवतार मंथ। शासन जी बॉयज स्कूल सभी अध्यापक प्रिंसिपल आप जी और बहुत अच्छा वेतन बढ़ाए जाने की खुशी में 1,25,725 रुपए दीन दुखी मध्य बैंक में जमा करवा चुके हैं। सभी स्टाफ मेंबरों की आप जी के पावन चरणों में अर्ज है कि जैसा आप जी हमें बनाना चाहते हो वैसे ही बन जाएं। लव यू पापा। खड़े हो जाए बेटा, एक कार्ड बनाया इन्होंने सुंदर सा जी, तो खड़े हो जाइए बेटा, आशीर्वाद, थोड़ी देर खड़े रहिए। चरण टिके जिस तर्त पे आपके वो जन्नत दो जहान हो, सितारे भी जमीन पर आकर घेर ले उससे जिसका सतगुरु सतनाम हो। शासनाम स्पेशली हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर ने आप जी के पावन चरण घरों में टिकने की खुशी में 25,000 रुपए दीन दुखी मध्य के लिए बैंक में जमा करवाए और एक सुंदर सा कार्ड भी इन बच्चों ने बनाया है। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। खड़े हो जाए प्यारे पिताजी, तेरे लख लख शुक्र गुजार देता सरप्राइज दात्या, अवतार में नींदी खुशी बेशुमार देता सरप्राइज दात्या। शासनाम जी पूरा में पूजा गुरु जी द्वारा पावन चरण कमल टिकाने की खुशी में सात संगत 21,000 रुपए बैंक में जमा करवाते हैं, एक सुंदर सा कार्ड इन बच्चों ने बनाया। खड़े हो जाएं, हाँ खड़े हो जाएं और खड़े रहें। आपकी निगाहें से बिगड़ी तकदीर बन जाए और रखो कदम यहां वो कश्मीर बन जाए, आपकी खुशबू से महकता है ये चमन सारा, डालो नजर जिस पत्थर पर वो कोहिनूर बन जाए। प्यारे पापा जी एमएसजी कॉम्प्लेक्स में पूज्य आप जी द्वारा चरण टिकाए जाने की खुशी में 51,000 रुपए शास्त्र नाम जी की नेशनल प्लेटफॉर्म फोर्स में जमा करवा दिए। एमएसजी कॉम्प्लेक्स शास्त्र नाम जी पूरा शास्त्र नाम जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर तीनों मिलकर सात संगत को प्रसाद भी बांट रहे हैं और एक सुंदर सा कार्ड भी इन्होंने बनाया है जी। प्रसाद तैयार रखो भाई। तो सेवा से मन लगे मालिक से प्यार बड़े घरों में खुशियां आए बेटा और अच्छे नए कामों में तरक्की करो, मालिक घरों में बरकतें दें और जोर से नारा लगा के बैठ जाए मालिक से ओढ़ने पे, जोर से नारा लगा के बैठ जाए आशीर्वाद बेटा। और प्यारी सत्संग जी हो बड़ा फख्र है हमें, और जैसे आपने सुना गुरु ब्रह्मचारी बेटियों ने टॉप किया है यूनिवर्सिटी में, तो अपने आप में बेमिसाल बात, ये बच्चे सेवा भी करते हैं दिन रात और पढ़ाई में भी टॉप आए, तो शाबाश बेटा बहुत अच्छा, मालिक और आगे बढ़ाए और मालिक से ओढ़ने पे आशीर्वाद, मन हारे आत्मा की जीत हो, बैठ जाए आशीर्वाद। आओ भाई प्रसाद वालों, चलो जी चलो सारी सास संगत ने प्रसाद लेना जी। अच्छा हो गया आज बलाग भी काफी आए हैं और आपका प्रसाद भी तीन लोग बांट रहे, तो ऐसा होना ही चाहिए था, सारे हरियाणा के काफी सेवादार आए हुए हैं, सारों ने प्रसाद लेना भाई, आ जाओ कोई इधर उधर है तो। और अगर आप प्रसाद ज्यादा ही लेके आए हो तो बनछटी उठा रहे हैं सेवादार, वहां भी दे देना, नहीं कहीं आपके दिल में ना रह जाए कि प्रसाद देना था। चलिए चलिए शाबाश, क्योंकि तीन नगरों के दे रहे हैं और एक ही लेना है पैकेट, दो नहीं लेने, ये आपने भी ख्याल रखना है। तो चलिए शाबाश। कल अचानक कई जगहों पे गए तो उनको ये नहीं समझ आ रही थी, बैठे कि भागे, कोई बाहर को भाग रहा था ना, अंदर चलो, अंदर चले गए तो फिर क्या करूं, किधर जाऊं, यहीं बैठ जाओ, खाने को क्या ले आऊं, कुछ भी नहीं है, किधर क्या करें, कुछ नहीं लेना, आपसे मिलने आए हैं, खाने को तो हम कुछ ऐसा वैसा लेते ही नहीं, आप बैठिए। तो फिर से बैठ जाए, उतावलापन क्या करें, सब कुछ कर लेते, चारपाई ढक रखी थी, कहीं उन्होंने घरों में ऐसा भी था चारपाई ढक रखी थी चादर से, पिताजी आएंगे कमरा सजा रखा था, वो इतने भागे दौड़े पता भी चल गया पिताजी आ गए हैं, भागा दौड़ी में रह गए, चादर हमने जाके उठाई, कहते हो पिताजी चादर कोई बात नहीं। तो बस ऐसे ही है, अच्छी बात है, अचानक खुशी मिलती है। सो आशीर्वाद। और सत्संग जी जिनके घर में ऐसा होता है, हम आपको अलग से टाइम नहीं दिया करेंगे, आगे से ध्यान रखा करें, जब भी जनवरी या अगस्त महीना चढ़ता है कभी भी आ सकते हैं, इसलिए अपनी तैयारी रख लिया करो। अगर आपको कहते पहले नहीं बता, देखो इतने देर पहले ही बता रहे हैं,
पहले पूले वाली बात गई, अचानक जब भी टाइम मिलेगा तो आ जाएंगे। और प्यारे सत्संग जीओ, और आज सत्संगत निम्नलिखित दो बुराइयां छोड़ने का परम चाहती है, इस बारे में सत्संगति सहमति लेगी है, ले ली गई है। दूसरों के अवगुण देखने की बजाय अपने अवगुण देखेंगे और उन दूर करेंगे, व्यवहार में लेन देन के सच्चे और खरे बनेंगे। तो हाथ खड़ा करके बताएं जो सेवादार ये प्रण कर रहे हैं, सो हाथ खड़े रखो। सो मालिक से दुआ करते कि हे मालिक, ये रोज बुराइयां अपने अंदर की छोड़ रहे हैं, तो इनके घरों में बरकतें आए, सेवा सुन में मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े और दो नई खुशियां बढ़ चढ़ के इससे भी दें। सो जोर से नारा लगाएं और आशीर्वाद। जी तो आशीर्वाद और सचकों में जो या सच्ची शिक्षा में जैसी भी ये बातें जाती हैं, हाथ नीचे कर लीजिए बेटा। तो आप कोई सत्संगत ब्लाकों में होती है तो वो सचकों से लेके पढ़ के सुना दें और तब हाथ खड़े करके नारा लगा दें, तो उनकी भी ये कसम मंजूर होगी और उनको भी वो तमाम खुशियां मिला करेंगी। लाइव पे भी जो विदेशों में है उनको भी, हाँ हाथ खड़े हाथ नीचे कर लो बेटा नारा लगा के। सो जो भी आप पर्ण करते हैं सारे, उन तमाम चाहे विदेशों में चाहे देश में, सबको मालिक खुशियां बख्शे। जिनके परिवार में किसी ने जोड़ा छोड़ा, ऐसे तीन परिवार आए हैं जी, सभी का नाम लिया था, सभी परिवार दोनों तरफ आए हैं, मंडी डब्बल सरसा टींसा संगरूर डल्ले बड़ा फरीदगोर, खड़े हो जाएं जी। नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया है तो बेटा जिसने नाम लिया तो वो आत्म मालिक की गोद में बैठ के ज्योति निज धाम सचखंड सतलोक नाम में जाती है। अस्थियां फूल लेके आयो, या तो खुद का खेत है गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो। ये तो मिट्टी आत्मा की संभाल मालिक ज्योति जरूर करता है। प्रसाद ले लो, जो जख्म देता है मरहम जरूर देगा प्रसाद लेने के बाद बैठना। कोई नशा छोड़ने आया है, सात दिन के लिए यहां पर रुक जाइए। परिवार का एक आदमी सात दिन साथ रहे, सात दिन सेवा सिमरण करने से गंदा नशा छूट जाता है। लेकिन ख्याल रखिए, परिवार का एक आदमी सात दिन साथ रहे और जब नशा छोड़ के जाना है, यार दो जो नशेड़ी है उनका संग उनकी सोहबत हर किसी नहीं करना। बाकी सात संगत में प्रसाद पहने, शादी के कपड़े, बच्चे कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी, कोई सात संगत लेके आई है कि आशीर्वाद लेना ऊपर कर लो। सारी सात संगत को अच्छे नए कामों के लिए आशीर्वाद, आशीर्वाद समान नीचे कर लो। तो जो भी सत्संग पधारी है आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जी आयानु क्षमदीत, मोस्ट वेलकम। थोड़ा समय सजे रही है, उसके बाद जैसा आपका विचार जाने का, समय साधन के मुताबिक जा सकते हैं रहने का। जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना सेवा करना आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपने अपनी जगह पर बैठे रहें। एक जो जरूरी सूचना है, सभी ने प्रेम से बैठे रहना है जी।